ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। चलिए, आप लोग का बहुत सा कंप्लेंट था, मैं आपका क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता हूँ बोल के कॉमेंट्स में। तो पहला ये कॉमेंट मेरे जो सामने आ रहा है, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे पहला, मेरा कुंडली का डेट ऑफ बर्थ ये है, गुरुजी प्लीज और मेरा कुंडली देख दीजिए। देखिए, कुंडली देखने के लिए ऑलरेडी मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ इसी चैनल में ही कि आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करेंगे और मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगा, तभी जाके जो टाइम रहेगा, क्योंकि लाइन पे कर रहा हूँ, शेड्यूल पे कर रहा हूँ, और ये बार बार सारे वीडियो में बोलना ठीक नहीं लगता है। आप लोग जब वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ। प्लीज़ कॉमन क्यू, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बाकी लोग भी हैं। प्लीज़ आप मेरे दर्शक हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, व्यूअर्स हो, कमेंटेटर्स हो, मैं पूरा सम्मान देता हूँ। और मेरा शेड्यूल है, इसी हिसाब में मुझे चलना है, और मैं नियम तोड़ूंगा तो फिर बाकी लोगों को ठीक नहीं लगेगा। आप लोग जो भी मेरे को कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा। दिन में दो बार देखता हूँ, एक सुबह देखता हूँ, एक शाम को देखता हूँ, तो उसी हिसाब में मैं देख के आपको टाइम फिक्स कर दूंगा। फ्री वालों का फ्री लाइन पे, पे वालों का पे लाइन पे, और इमरजेंसी जिनका है वो नेचुरली, वो उनको तो रोका नहीं जा सकता, 10 बार कॉल करेंगे, देख लीजिए मेरा ऐसा है। और दूसरा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। 24 साल हो गया मेरा, कभी मैं ये समझ में नहीं आ रहा है, शायद शादी के लिए लिखे हैं। तो देखिए, ये जो भी आप इंतज़ार किए हो 24 साल से, 50 साल आपका उम्र हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अपना सबको ही नसीब में जिए हैं और जिएंगे, किसी का नसीब कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। किंतु अगर ये चीज़ व्यक्ति आगे से जान जाए कि मेरे कुंडली में ऐसा कुछ दुर्योग है और मुझे उसके लिए पहले से ये निदान, ये समाधान कर देना चाहिए, तो आगे चल के वो समस्या नहीं होगा। और इसीलिए ज्योतिष विद्या है कि भाई पहले से देख लो, ताकि आगे जीवन पे उस समय आपको कष्ट भोगना नहीं पड़े। बहुत सारे लोग जिनका केमद्रुम टाइप दोष रहता है और उस समय जिंदगी का अकेलेपन जब आता है तो रोते हैं, फोन में बिलखते हैं, मेरे पास कोई नहीं है गुरुजी। तो वो अगर पहले से अगर पता चला होता और उसका कुछ समाधान किए होते, उसी हिसाब में प्रिपरेशन किए होते, तो बच जाते। जैसे अभी एक मेरा कॉलेज टीचर हैं, मैं उनका कुंडली देखा, मुझे पता चला कि बूढ़ा हो गए, रिटायर्ड हो चुके हैं, जाते जाते बोल दिए, कोई बेटा बेटी भी नहीं है, अकेले है। तो देखा दोनों के कुंडली में नेचुरली एक का क्रम केमद्रुम है, एक ता, इसका मतलब एक आगे भाग जाएगा, ये अकेले रहेगा। और क्योंकि मुझे धर्मपुत्र मानते हैं तो मेरा ही जिम्मेदारी आएगा, तो फिर मैं उनके लिए पहले से प्रिपरेशन कर दिया कि ये इनके साथ कर देना है, ताकि उस समय अकेलेपन उनके अंदर नहीं रहे, मतलब वो ऐसे कुछ जोन पे आ जाएं, दोस्त तो है लेकिन निवारण कर दिया जाए। अब ये एक मोहतरमा लिखते हैं, मेरा कमेंट दीजिए, सुंदर सिंह जी मेरा कमेंट का उत्तर नहीं दिए। भाई कौन सा कमेंट का, मैं तो कोशिश करता हूँ हर एक का पढ़ के उत्तर देने के लिए, तो कौन सा है वो भी दोबारा रिपीट कर देंगे तो मैं ज़रूर उत्तर दूंगा, और ये मेरा फर्ज है उत्तर देना। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार, ये रघु नागराज जी, बहुत धन्यवाद, अच्छा नमस्कार भेजे हो राशि फल के ऊपर बृहस्पति का। गुरु जी, काश आपका सारे बात सत हो जाएं, बहुत कष्ट देख रहा हूँ 7:30 के दौरान। हाँ सही बात है, देख रहे हो 7:30 के दौरान, लेकिन आप अपने राशि नहीं लिखे हैं और कमेंट भी लिखे हैं, लाइक भी किए हैं, बहुत धन्यवाद। ऐसा है, 7:30 के दौरान तो प्रचंड परिवर्तन आने वाला है, आ रहा है, और सुनो मैं बताता हूँ, उसका आभास भी आ चुका है। बहुत सारे मैं मकर वालों का बात स्पेशली कहूँगा, धनु वालों का भी, धनु लास्ट फेज में जो लोग कष्ट में थे, अब तक मेरे पास 45% ऐसे कमेंट्स या ऐसे व्हाट्सएप में आ गए कि आप जो बोले थे वही हुआ और अब तक हमारा सही समय आ गया। और मैं और बता दूं, मकर वालों का 45% वालों के पास धन वर्षा शुरू भी हो गया है,
45% पॉजिटिव जोन पे आ चुके हैं। पैसा के लिए मतलब किसी का 30,000, किसी का 40,000 ऐसा। हाँ, अपने जो लोग काम किए थे, जो लोग नहीं किए अब उनके पास कहाँ से आएगा। जो लोग उस बैक टाइम का सही इस्तेमाल किए थे उनके पास अब वो रिजल्ट देना चालू हो चुका है, तो मैं कैसे कहूँगा कि नहीं दे रहा है। दे रहा है और सबका नहीं आया है, वो डिपेंड अपन योर दशा, अंतरदशा एंड प्लेसमेंट ऑफ शनि एंड नक्षत्र पर। तो गुरु जी आपका बात सच हो, सच हुई तो मैं आपको जरूर मिलने आऊँगी। भाई आ जाओ, कोई बात नहीं है, सच होना ही है। और देखिए ब्रह्मा भी विश्व में 100% सच मनुष्य के लिए नहीं खड़ा कर सकते, हम तो केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और बार बार कह रहा हूँ, ज्योतिष विद्या इज नॉट ए प्रेडिक्टिव साइंस, इट इज ए करेक्टिव साइंस। और ये हमें करेक्शन करने के लिए देता है। और सीधा सा लाइन है कि जितना जल्दी हम अपने को शनि के हिसाब में ढाल लें, जितना जल्दी हम जीवन का विन्यास कर लें, जितना जल्दी हम जीवन को बैलेंस कर लें, जितना जल्दी हम डिसिप्लिन में आ जाएं, जो जो भी हमारे अंदर कलुष कलमस्ता है उसको दूर कर दें, उतना जल्दी शनि बाबा देने के लिए तत्पर हैं। शनि बाबा देने के लिए हमेशा तैयार हैं, डिपेंड अपन कि हम कितना करेक्ट आपको अपने को कर पाते हैं। और यही साढ़े साथी है, यही ढैया है और यही महादशा है कि जो जहाँ व्यक्ति अपने जीवन को सुधारना चालू करते हैं। बहुतों को देखा हूँ, कल तक वो मंदिर जाते नहीं थे, मानते नहीं थे, फोटो मूर्ति पूजा पत्थर अंधविश्वास बोलते थे। आज देखता हूँ जाके मंदिर के दरवाजे वो द्वार बंद पे सब ठोक रहे हैं। दिस इज व्हाट, कल तक वो नहीं मानने वाला था, नहीं सुनने वाला था, उसको कोई बोले तो उल्टा गाली देता था। आज भले छुपके हुए जाता है, रात को जाता है या ऐसे समय जाता है जो कोई नहीं देखे, लेकिन जा रहा है। तो अब सच होगा नहीं होगा, अब तक आप बाकी लोगों का कमेंट देख लीजिए। वेरी गुड प्रेडिक्शन, थैंक यू। ये राघवीर जगलान जी, धन्यवाद, आप तारीफ किए, नमस्कार, थैंक यू लॉट्स। ये शीतला जी, पूरा नाम थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ। पंडित जी आप एक्सप्लेन करने के साथ आप कुंडली चार्ट देखकर बोलेंगे तो हमें समझ में आसानी होगा। विजय जी, विजय सागर जी, जी आप बहुत सही बोल रहे हो। मेरे पास अब तक वो व्यवस्था नहीं है कि मैं कुंडली को डिस्प्ले कर पाऊँ, जो भी है ये है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो स्क्रीन के लिए आ जाएगा तो उसमें डिस्प्ले कर दूंगा, या फिर टेब या मेरा लैप में अगर कर पाऊँ तो। ये बहुत सही बोल रहे हो आप, मैं आगे कोशिश करूँगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, कुंडली विश्लेषण में बहुत सारे लोग अलाउ नहीं करते हैं कि हमारा बात या हमारा कुंडली एक्सपोज किया जाए या सबके सामने रखा जाए, तो मैं उनका नहीं रखता हूँ और ना ही उनका कुंडली दिखाता हूँ। दूसरा बिंदु ये, अब तक मैं यहाँ भी लिख सकता था कि यहाँ यहाँ ये प्लैनेट पोजिशन है, नहीं करने के पीछे एक और कारण बताता हूँ, सुनो। मैं इस बोर्ड में अगर कोई भी ग्रह का प्लेसमेंट कर दिया, कुंडली बनाया और नहीं मिटाया एक बार के लिए, और मेरा घर का वास्तु के हिसाब में ये जो जो प्लेस कोण है, ये प्लानिटरी पोजीशन और ये कुंडली जहां एक्टिव हुआ, समझो, ये सबको ही नहीं समझते, सबको ही नहीं बोलेंगे आप। देखिए आज के डेट में ना कोई विश्वास करता है, ना कोई सुनता है, ना एस्ट्रोलॉजर इतना जल्दी इन बातों को मानते हैं। हम लोग इतना पत्थरबाज हो गए, मतलब आज इतना वस्तुवादी और सांसारिक हो गए हैं कि इन सबको अनुभव नहीं कर पाते। ये वही लोग अनुभव करता है जो लोग इसको अनुभव किया है। और मुझे नहीं पता आपका वो मेरे कितना बात हजम होगा। मैं जिस समय यहाँ डिस्प्ले किया और प्लैनेट को लिखा, जिसका कुंडली भी, ऐसे तो जिसका कुंडली हम लोग देखते हैं उसका कुछ भाग भूख हमें भी करना पड़ता है। जो दक्षिणा का विधान है इसीलिए है कि प्रभु
आप मेरा कुंडली देखोगे और मेरा दशा अंतरदशा का कुछ भाग आपको भुगतना पड़ेगा क्योंकि आप पाप कर रहे हो। कुंडली देखना, इसको अभिशप्त विद्या बताया गया, इसलिए सबको इस लाइन पे तैयार नहीं होते। और कुछ लोग तैयार इसलिए होते हैं, मजबूरी है, कुछ लोग तैयार इसलिए होते हैं कि नहीं करके रह नहीं सकते, कुछ लोग इस मार्ग में इसलिए आते हैं क्योंकि आनंद आता है, मजा आता है, और कुछ कुछ लोगों को ईश्वर ने बनाया है कि आओ ये करो, ड्यूटी है, यही सेवा है तुम्हारा, यही कर्म है तुम्हारा, तो करते हैं, थोड़ी मजा आता है, ठीक है। तो जहां इसको लिखते हैं तो आप जब तक इसको नहीं मिटाया तब तक उसका इम्पैक्ट यहाँ आता है। ये कुंडली चक्र को सामान्य कभी नहीं समझना साहब, एकदम नहीं समझना, बहुत विपदपूर्ण और खतरनाक होता है। आई डोंट नो आप लोग कितना मानते हो इस बात को, लेकिन जो लोग ज्योतिष विज्ञान में अंदर प्रवेश किए हैं, साधक हैं, जो लोग 8-10 डाटा उटा किताब उताब पढ़ के बोल रहे हैं उनका बात अलग है, लेकिन जो साधक हैं वो ऐसे कुंडली को देखा और उसको अंदर फील किया और अंदर घुसा, उनके अंदर आया ऊर्जा और फिर वो बोलने लगे, उनके लिए इसका मूल्य बहुत कुछ है। ये जो चक्र है ये एक यंत्र, और उसमें इन ग्रहों को वहां वहां प्लेसमेंट जहां कर दिए और प्रार्थना एक बार हो गया नवग्रह का, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, फिर शांतिकरण, फिर विसर्जन करना पड़ता है। ये कभी नहीं सोचना कि यहाँ किताब पढ़ के डाटा बता दिया, अष्टम में ये रहने से ये दम, लग्न में ये बैठने से ये फल, उसमें वो फल, वो तो कभी मैच करता ही नहीं। किताब में जो लिखता है, किताब में जो लिखा है, अगर उसके पॉइंट पे वहीं पे हम लोग चलें और कुंडली को फिल नहीं किए, जातक सामने बैठे फिल नहीं किए, तो हमारा प्रेडिक्शन तो ढुस हो गया। और जब गोचर फल या राशि फल या नक्षत्र फल बोलते हैं तो हमें वहां प्रवेश कर, आप सोचो मैं 3 दिन हो गया शनि के बारे में बोलने के लिए और मैं शनि के ओरा में घुस ही नहीं पा रहा हूँ, अलाउ नहीं हो रहा है। 2-3 बार मैं उस शनि का अगला 2.5 साल का फल बोलने के लिए मैं कितना अपने को प्रिपेयर कर रहा हूं कि बोल पाऊं, और 5-7 बार कोशिश किया, बाधाएं आ रहे हैं, जब भी इसको शुरू कर रहा हूं बाधाएं आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे अलाउ करो लेकिन नहीं कर रहे। तो ये सारे ऑकल्ट विद्या है, गुप्त विद्या है। आप जहां शनि का काम करने के लिए जा रहे हो तो राइट होरा, राइट लग्न और राइट तिथि चाहिए होता है, उस समय आपको बोलना नहीं पड़ता, बैठा और घप 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 निकलेगा एकदम मुंह से, फटाक 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 निकलेगा। और नहीं तो मैं अगर कॉपी करके लिखूं उस किताब से, किताब से, हाँ शनि इस नक्षत्र में घुस रहा है और ये फायदा होगा और ये नुकसान होगा, फिर लिखते रहो, कब लिखेंगे, कब इतना वीडियो बनाएंगे, आप बताओ कब प्रिपेरेशन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी आप लोग कह रहे हो, बहुत सही कह रहे हो, लेकिन आई डोंट नो, मेरा आगे का कोशिश रहेगा इसके बारे में, और जो भी करते हैं थोड़ा सा गुरुजी को पूछ के करते हैं, तो हर चीज ओपन आउट डिस्क्लोज नॉट गुड। फिर भी आपका बात सरखों पर, मानता हूं इस बात का। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किए हैं ये, चलो आपको भी धन्यवाद। शीतला जी आपका बात सत्य हो जाए, आप निचोड़ के रख दिए। जोगिंदर जी चलिए बहुत बात है, अच्छा है। मकान के एकमात्र सस्ते मुकदमा चल रहा है, क्या वह समाप्त होगा या जीत मिलेगी? आप कुछ भी नहीं लिखे हो, आपका ना राशि है ना कुछ, कहाँ से बोले? राजेंद्र गुप्ता, और नेचुरली मकर राशि का होगा शायद, तो यहाँ से देख लो भाई उस कोर्ट कचहरी माली मकदमा का हाउस क्या हालत क्या है, और ये दोनों का कंडीशन देख लो कब तक हो जाएगा। देखिए ये रोग रिपुरण, शत्रु से विजय छठा, अब यहाँ पर कोई खास ऊर्जा अभी इस दौरान तो अब दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा यहां द्वादश का एनर्जी भी अभी लो चल रहा है, लेकिन इतना है कि जब शनिदेव कुंभ में जाते हैं 17 तारीख को आ जाएंगे, आप देखना कुछ कंडीशन आपके भले होने का आभास मिलेगा, हो नहीं जाएगा,
सतभिषा नक्षत्र मार्च में जब क्रॉस करना चालू कर देंगे तो यहां शनि कुछ अलग हटके देते हैं। राहु का नक्षत्र है, कवर अप बहुत अच्छा होगा, रिकवरी कंडीशन बनेगा, और इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं। यहां आप लोगों के लिए स्पेशली मकर वालों के लिए अभी देखना द्वादश का शुक्र, अगर किसी का ऐसा महादशा चल रहा हो, फिर लग्न में शुक्र, द्वितीय में शुक्र, फिर यहां उच्च का शुक्र, तो समझ लो अप टू अप्रैल, मतलब दिसंबर से लेके अप्रैल, द चांस इज मोर आप भूल जाओ कि साढ़े साथी था बोल के। एक हीलिंग कंडीशन पे मैं और बाकी कमेंट नहीं दे पाऊंगा, समय हो रहा है। यहां इतना कहूंगा जो पॉजिटिव दिख ये रहा है, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि ज्यादातर आप ही लोग का ये एक है कमेंट यहां पर आया है, बाकियों के लिए नहीं है, बाकी लोग उसमें नहीं मिला। और जब भी लिखते हो ना कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें आप जरूर मेंशन करो कि मैं मकर राशि का हूं, अमुक नक्षत्र का हूं, तो मुझे आपके क्वेश्चन आंसर देने में सहज हो जाए इसके अनुसार। बाकी आपका दशा अंतरदशा अलग बात है, मतलब गोचर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऊर्जा कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। इट इज ट्रू, राशिफल, नक्षत्रफल या गोचर फल या ग्रहों का गोचर, ये सारे ओनली 5% ही इंपैक्ट देता है, लेकिन वो 5% की अगर 1% भी सपोर्टिव ऊर्जा मिल जाता है ना, फिर दशा अंतरदशा सही चल रहा है तो बढ़ा बेटा आगे। तो मैं आपका दशा अंतरदशा कुंडली तो नहीं देखा कि मैं कैसे कह दूं कि आप कोर्ट कचहरी माली मकदमा में जीतेंगे नहीं जीतेंगे, रोग रिपूर्ण रोग का हीलिंग होगा या नहीं, जैसे रोग के बारे में आपने, इसीलिए आप क्वेश्चन आया तो मैं रोग के लिए इतना बड़ा वीडियो बना के दे दिया कि अगर साढ़े साथी या शनि का महादशा में रोग हो तो क्या करो। और एक कुछ अभी देख रहा हूं, मान सम्मान हानि का रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो उसके ऊपर भी चिंतन चल रहा है कि उसका एक वीडियो आपको कवर अप कर दूं। लग्न फल के लिए आया था कि भाई दिसंबर का लग्न फल दीजिए, तो उसी से है मेरा, बाकी टाइम और कुंडली देखने से टाइम बच जाए तो बना दूंगा। और दूसरा कि अंदर आए एकदम बभाग के एकदम आए तो फिर कोई रोक नहीं सकता, बनाएगा आंखें, जिसे अभी आया तो क्वेश्चन आंसर देख के दे दूं, कुछ दे दिया, फिर अगला, फिर अगर समय हो जाएगा, अभी मेरा टाइम भी हो गया जब तब इत्यादि का, आई थिंक क्लियर। तो ये जो पीरियड है अभी अप्रैल तक एक ग्रैंड पीरियड देगा, दिखाई दे रहा है, हीलिंग का पीरियड आएगा ये, इस समय कुछ यहाँ एंजॉयमेंट, यहाँ मन चंगा कटौती में गंगा, शुक्र का बात कर रहा हूँ, शुक्र यहाँ ये कवर अप कर देगा। हालांकि यहाँ द्वादश में उतना ज्यादा करे नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल का भी एनर्जी यहाँ पर अष्टम दृष्टि आ रहा है, तो नेचुरली यहाँ गुप्त शत्रु का हनन कर देगा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का कंडीशन को भी बैलेंस करेगा, जीत जाओगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा बहुत सही नहीं दिखा रहा है अभी तक। शनि भी वीक हो रहे हैं, अभी मैं आज देख रहा था 25 point something degree पे चल रहे हैं, और अभी 5 degree क्रॉस करना है उनको, तो एक महीना में तो क्या स्पीड में चलते होंगे आप सोच लो, क्या अतिचारी कंडीशन पे रहेंगे, तो अतिचारी में, शब्द में, दशा राशि संधि में, आप कभी ये नहीं कह सकते कि मुझे कोई फुल फेज आंसर मिल जाए, हम लोग जानबूझ के नहीं दे रहे। एक वीडियो बनाने के लिए तो कब, मतलब मैं सारा फाइल प्रिपरेशन करके बैठा हूं कि क्यों इतना कॉन्फिडेंस में हम लोग कह रहे हैं कि कुंभ में शनि जाते ही मीन्स जाने का 3-4 महीना के अंदर देखो क्या चमत्कार होता है, ऐसे कौन सा कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं। तो मैं उसके लिए एक वीडियो के लिए पूरा 1 घंटा का प्रिपरेशन बैठा हूं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं आ रहा है अभी तक, तो आ जाएगा, हो सकता है कल तक बन जाए। तो नेचुरली यहाँ शुक्र तो एकदम बम करके रखेंगे सॉलिड, यहाँ शुक्र आके तो और बम करके रखेंगे, यहाँ उच्च का शुक्र तो आपके लिए थर्ड हाउस, तो ये दिख रहा है ना भाई, आएगा सब पैसा पत्थर बोल के, आप बोलोगे यार जल्दी आ जाए एंटर बटन दबाने, कहाँ से आने वाला है एंटर बटन दबाने से, लैपटॉप समझते हो, ऑनलाइन मंगा लोगे जोमैटो से खाना और टमाटो मिला के खा जाओगे ना, ये 4 महीना देखो तो चमत्कार, फिर यहां आने से आप देख लो अप्रैल मई के अंदर अगर आपको भूमि भवन भान इत्यादि के लिए मानसिकता बनाता है नहीं बनाता, एकदम बढ़िया बनाएगा। यहाँ शुक्र को एनर्जी को राहु एकदम हाई पावर करने वाले हैं, और फिर इनका भी दृष्टि आ जाएगा, फिर अपने स्वगृही यहाँ, तो ग्रैंड पीरियड तो दिख रहा है, निहारेगा शुक्र
यहाँ वो उतना ज्यादा और प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ यहाँ से वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे और प्रॉब्लम में ये विगत साल जून के बाद से शुक्र का समस्या बना। कुछ लोग का क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हो गया जो इस बार मकर वालों को बहुत पीड़ा होना पड़ा। नहीं, होना नहीं पड़ता। यहाँ जो कोरोना से पूर्व यहाँ शनि जो है केतु के साथ, फिर गुरु चांडाल और ये सारा जो आपके द्वादश क्षेत्र में बना, याद है तो धनु में इधर चल रहे थे जब आपका साढ़े सती का पहला कंडीशन है, बोले भूल गए सारे, ये द्वादश का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा उस समय। अभी जैसे ये यहाँ राहु क्रॉस ट्रांजिट करेंगे तो मीन के ऊपर सीवियर इफेक्ट आने वाला है, तो यहाँ उस प्रकार का प्रेशर बना था। इसे कभी नहीं बोलिए शनि ऐसा कर दिया, नो, अपना तो बढ़िया चल रहे थे शनि बाबा, पीछे से इधर इतना सारा जो क्रॉस करके गए आपके साथ। इसलिए जो लोग मकर वाले हैं, क्योंकि द्वादश में आप सोचो इधर द्वादश गुरु का गोचर, वो भी बड़ा फंडामेंटल लेवल पे जाए, फिर आए केतु इधर क्रॉस ट्रांजिट करके आए। याद करो ना, जिस जब से मकर राशि में केतु के साथ यहाँ ग्रहण लगा, उसी से मकर वालों का झमेला चालू हुआ। वो एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस प्लेटफॉर्म में बाकी लोग काम कर गए। जो भी आप लोग बोलते हो उस समय आत्महत्या का और मान सम्मान हानि और ये जो भी कहते हो, इतना सारा इम्पैक्ट वो उसके लिए हुआ है। शनि का अगर सिंपल गोचर हो जाता और ये लोग कहीं दूर दूर बैठे होते तो उतना समस्या नहीं होती। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई तब देगा जब इधर से तो है टाइम ना यार, तब तक तो आपका खत्म हो गया होगा साढ़े सात। नेचुरली वो दिख रहा है ग्रैंड ग्रुप पीरियड, आप देख लेना, आप कमेंट कर देना उस समय है तो टाइम, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो हूँ यूट्यूब में। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दीजिएगा, दबा के। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर, जितना दिखाई दिया और समय जितना मेरे को सपोर्ट किया, बचाया जितना समय, तीन चार फोन भी मैं देख रहा हूँ साइलेंस जोन में है, आ रहा है घटकर फोन, उनको भी नहीं आंसर दिया हूँ। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावयेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः।